नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। चुनावों में नेताओं के बड़बोलेपन के कारण कई बार उल्टा सीधा कुछ न कुछ मुंह से निकल ही जाता है, जिसे जुबान फिसलना कहते हैं। और बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर नेताजी की निकल गई बारात। हुआ यूं कि पंचायती राज चुनाव के लिए दी जाने वाली टिकटों को लेकर कांग्रेस के हनुमानगढ़ जिला प्रभारी हीरालाल बिश्नोई की जुबान फिसल गई। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि बिकाऊ और टिकाऊ को ही टिकट दी जाएगी। हालांकि ये जिताऊ और टिकाऊ बोलना चाह रहे थे, लेकिन जिताऊ की जगह बिकाऊ बोल गए। उसके बाद यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो गया। विपक्षी बीजेपी ने भी इसे हाथों हाथ लिया और इस पर तंज कसे। राजनीतिक गलियारों में इस वायरल वीडियो की काफी चर्चाएं हो रही है। दरअसल राजस्थान में पंचायती राज चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और इस माह 4 चरणों में 21 जिलों में जिला परिषदों और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव होने हैं। इनके लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी समेत किसी भी पार्टी ने अभी तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। इसी कड़ी में टिकट के दावेदारों से मिलने और फीडबैक लेने के लिए कांग्रेस के हनुमानगढ़ प्रभारी हीरालाल बिश्नोई जिले के दौरे पर हैं। बुधवार को बिश्नोई ने हनुमानगढ़ में टिकट के दावेदारों से मुलाकात की और उनके आवेदन लिए। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए हीरालाल बिश्नोई की जुबा फिसल गई। बिश्नोई की बात सुनकर कांग्रेस नेता हतप्रभ रह गए। जब उनसे पूछा गया कि टिकट किनको दी जाएगी, तो उन्होंने कहा कि बिकाऊ और टिकाऊ उम्मीदवार को ही टिकट दी जाएगी। बिश्नोई के बिकाऊ और टिकाऊ को टिकट देने का बोलने पर एक बार भी वहां बैठे कांग्रेस के अन्य नेता सन्न रह गए। हालांकि बिश्नोई को तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने बात सुधारते हुए कहा कि जिताऊ और टिकाऊ को ही टिकट दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने मीडिया को बताया कि अभी आवेदन लिए जा रहे हैं और टिकट का फैसला जयपुर स्तर पर होगा। बिश्नोई के दौरे के दौरान हनुमानगढ़ विधायक विनोद चौधरी और नोहर विधायक अमित चाचाण सहित कांग्रेस के अन्य नेता भी उनके साथ थे। इससे पूर्व बिश्नोई ने जिले के रावतसर में भी टिकट के दावेदारों से मुलाकात की और उनके आवेदन लिए। टिकाऊ और टिकाऊ ऐसे आदमी होंगे, उन्हीं को टिकट देंगे। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।